बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना ने जबरदस्त घेराबंदी की है। सेना के ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। घने जंगलों में आसमान से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आतंकियों ने कल घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला बोला था, बिल्कुल पुलवामा की तरह। इस हमले में आपको बता दें कि हमला हुआ और अब इसमें चार जवान शहीद हो गए, तीन घायल भी हैं। आतंकी जंगलों की पहाड़ियों में कहीं घात लगाकर बैठे हुए थे। बिल्कुल मोड़ पर जैसे गाड़ी पहुंची, जब गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने शुरू कर दी, चार जवान शहीद। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त टीम्स भेजी गई हैं भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, और गहन तलाशी अभियान चल रहा है इस पूरे जंगल के क्षेत्र में, दोनों जिलों में, राजौरी जिले में भी, पुंछ जिले में भी। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो व्हाइट नाइट कोर है भारतीय सेना के, उसके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी पहुंचे थे। उन्होंने भी जो घटना स्थल है वहां का जायजा लिया और स्थानीय जो सेना के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी ली। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेना की गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, मूवमेंट चल रही है, अतिरिक्त टीम्स भेजी जा रही हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों को यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं और कैजुअलिटी ना हो जाए उनकी, तो इसीलिए फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सेना की गाड़ियां अभी भी जा रही हैं उस स्थान पर जहां पर इस समय मुठभेड़ जो है कल जहां शुरू हुई थी, उस क्षेत्र में री इन्फोर्समेंट भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता सेना को नहीं मिली है। हालांकि ये साझा ऑपरेशन है, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता भी इसमें शामिल है और यही कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों को ढेर किया जाए। और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि 3 से 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये हमला भारतीय सेना के वाहनों पर किया। उनकी तलाश लगातार जारी है और स्थिति काफी संवेदनशील है इस दोनों जिलों में, राजौरी में भी, पुंछ में भी, जो कि नियंत्रण छिपे होने की आशंका है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है सुनील जी भट्ट, वो ये कि ये हमला हुआ कैसे? अगर इनपुट था तो उस हिसाब से तो इस हमले को होना नहीं चाहिए था। कैसे आतंकी घात लगाकर बैठे हमले को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद वो फरार भी हो जाते हैं, ये प्रश्न है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही बात कही, क्योंकि ये पहला ऐसा जो है घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार दोनों जिलों में पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो भारतीय सेना है जब वो उस स्थान पर जाती है जहां पर आतंकियों के छिपने की आशंका होती है या इनपुट होता है, अचानक से आतंकवादी एक पोजिशन ऑफ डोमिनेशन से वो वहां पर उन पर हमला करते हैं और जिसमें कैजुअलिटी हमारे बहादुर सैनिकों की होती है। चाहे वो इस वर्ष ही अगर देखें तो मेंढर इलाके में भट्टा दूरिया की जो जंगलों से आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर आत्मघाती हमला किया और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार राजौरी जिले में भी पैरा कमांडो, 5 पैरा कमांडो जो है वीरगति को प्राप्त हुए। और अभी पिछले महीने की बात है कि जो कालाकोट क्षेत्र है वहां बाजीमल जो गांव है वहां पर भी इसी प्रकार की घटना होती है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने शूरवीर सैनिकों को खो रहे हैं, आला अफसरों को खो रहे हैं, पैरा कमांडोज को खो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक समीक्षा की आवश्यकता है कि कहां पर चूक हो रही है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह बड़ा आतंकी हमला, और हमले में सेना के 4 जवान शहीद हैं, 3 जख्मी हुए हैं। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। आतंकियों ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया। थाना मंडी सुरनकोट इलाके में अंधा मोड़ के पास में पहले पहाड़ी पर छिपे हुए थे और जैसे ही सेना की गाड़ी मोड़ पर धीमी हुई, अंधाधुंध गोलियां इन्होंने बरसा दी, जिनमें कई गोलियां लगी हमारे जवानों को। सेना ने जब तक मोर्चा संभाला तब तक आतंकी हथियार लेकर जंगलों में भाग भी गए थे। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है, आतंकियों को तलाशा जा रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की वहां आशंका है। यह आतंकी घटना उस इलाके में हुई है जिसे केसरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। येलोसी के पास का इलाका है, घने जंगलों वाला इलाका, यहां कई गुफाएं हैं जिसमें आतंकियों ने अपना पनागा बना रखा है। आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में हम बहुत ही चौकसी से, हमारे बहादुर जवान बहुत ही अलर्टनेस से काम करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के कोई भी अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको दुष्कार करते हैं और वही कोशिश हमारी इस साल भी जारी है। सर, तैयार है सर?
बॉर्डर क्रॉस पे? बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए अराउंड 250 से 300 लॉन्चिंग पॉइंट पे मिलिटेंट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार हैं, लेकिन हमने बहुत ही मुस्तैदी से आर्मी के साथ सभी वल्नरेबल पैच को बड़े अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है, और ये हमको पूरा विश्वास है कि हम किसी भी तरह के ऐसे भी कैसा भी इन्फिल्ट्रेशन अटैक हो उसको नाकामयाब। वहीं आतंकियों ने हमले के लिए खास तौर पर एक ऐसा लोकेशन चुना जहां अंधा मोड़ है। आतंकियों को पता था कि वो जगह है जहां काफिले की रफ्तार कम होगी, और इसीलिए वहां घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। इसके लिए तुरंत उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और आतंकवादियों को अभी जो कार्रवाई शुरू है वो कार्रवाई अभी जारी रहेगी। तो अभी इस वक्त आपको बता दें कि सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मकसद यही है कि जो कल अंधाधुंध फायरिंग करके आतंकी फरार हैं और भागे भागे फिर रहे हैं, उनका खात्मा हो, उनको पकड़ा जाए। ये हथियारों के साथ फरार हुए हैं, इस काराना अटैक उन्होंने अंजाम दिया, वो भी एक ऐसी जगह पर जो मोड़ है, और वहां पर गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। तो आतंकी हमले पर राजनीति तेज है। फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति बहाली के वादे की याद दिलाई, तो संजय राउत ने पुलवामा हमले की याद दिलाई। आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, दो जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए नहीं हुए, रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंक, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा था, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको। ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? कल का जो पूंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए? आपने इसके लिए तुरंत उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और आतंकवादियों को अभी जो कार्रवाई शुरू है वो कार्रवाई अभी जारी रहेगी जब तक आतंकवादी मिल नहीं जाते। इस प्रकार के जो मंसूबे रहते हैं आतंकवादियों के, कि छुपकर डर कर मारना भारतीय सेना के जवानों को, ये बहुत एक घिनौना रूप है आतंकवादियों का, और निश्चित ही हमारी सेना ये यशस्वी हो जाएगी उन सारे आतंकवादियों को मार गिराने में। पाकिस्तान की तरफ से ये हर बार, इस वक्त वो शायद सोचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर, तो अब जो साउथ कश्मीर में, और ख़ासकर जब ये इलाका जो पिछले 15-20 साल से शांत रहा, और अब अचानक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यह इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं, और जिस प्रकार से एम्बुश हो रहे हैं, पिछले एक महीने पहले दो कप्तान भी मारे गए और तीन उसमें भी जवान शहीद हो गए, तो ये जो वारदात है, मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी अब नई सोच के साथ अपने को भी इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्बुश से बचा सके। तो सेना के काफिले पर, सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ है, और पुलवामा की तरह से जोड़कर देखा, संजय राउत ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह की एक घटना है। सवाल यह है कि जब 370 हटा दिया गया तो उसके बाद जवानों की रक्षा कौन करेगा? इस तरह के बातें फारूक अब्दुल्ला ने भी कही। राजनीति एक तरफ चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना का प्राथमिक कार्य इस समय उन आतंकियों को ढूंढना है, उन आतंकियों का खात्मा करना है जिन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद से अभी भागे भागे फिर रहे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि गुफाएं भी बहुत हैं, जंगली इलाका है, घना जंगल है, हेलीकॉप्टर की मदद से देखा जा रहा है, लेकिन गुफाएं हैं जहां पर ये कहीं छुप गए हैं,
और धीरे धीरे उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे। इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है, हेलीकॉप्टर से पूरी पहाड़ी पर, पूरी रेंजेस पर नजर रखी जा रही है। तो ये आपको बता दें कि वो रूट्स जहां से ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, जो 10 रास्ते हैं, जो पीओके से, जो इस समय पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से रखा हुआ है, वहां से जो लॉन्च पैड्स है वहां से ये लोग निकलते हैं, फिर अलग अलग रास्तों से होकर आते हैं, फिर बतलगांव कसनाला से, बिल्कुल इस तरह से 10 जो रास्ते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और ये आतंकवादी पहुंचकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि ज्यादातर समय हमारे जो जवान हैं इनके इस घुसपैठ को नाकाम कर देते हैं, लेकिन इस समय ये अपने इन मंसूबों में कामयाब हुए। ये जो 10 रास्ते हैं जो बिल्कुल पीओके के साथ लगे हुए हैं, और जब सर्दियां आती हैं तो चूंकि हिमपात हो जाता है तो इनके लिए घुसपैठ करना आसान नहीं होता, तो ये हिमपात से पहले, बर्फबारी से पहले या उसी समय घुसपैठ करते हैं। पिछले 2 साल में 8 आतंकी हमले हुए जिसमें 34 जवान हमारे शहीद हुए। 22 नवंबर को 5 जवान शहीद हुए, जबकि 13 सितंबर को 2 जवानों की शहादत हुए। अब आपको हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं डेरा की गली क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर राजौरी और पुंछ जिले की सीमा लगती है, और मैं आपको यहां की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो वहां पर आप जो ट्रक देख रहे हैं, सेना का जो ट्रक है, जो क्रेन के सहारे जिसको यहां लाया गया है, वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने हमला किया। इस ट्रक में जो सेना के जवान बैठे थे उन पर हमला किया गया, और साथ ही में सेना की एक जिप्सी थी उस पर भी हमला किया गया। 2 वाहन थे सेना के जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, और 4 सेना के जवान इसमें वीरगति को प्राप्त हुए, और 3 अन्य जवान जख्मी हुए गंभीर रूप से, और उनको उपचार के लिए उधमपुर स्थित भारतीय सेना के उत्तरी कमान के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहां पर आप तस्वीरें देखिए, जो क्रेन के सहारे जिस ट्रक को यहां लाया गया है, सेना के ट्रक को, यही वो ट्रक है जिस पर आतंकवादियों ने कल हमला किया था। और आतंकवादियों ने पूरी एक योजना बनाई थी कि किस प्रकार से जब सेना का जो कॉन्वॉय है वो उस क्षेत्र से निकलेगा, उस पर वो हमला करने की फिराक में थे। दरअसल वहां पर एक मोड़ है, और काफी वो उस मोड़ पर काफी समय लगता है उस मोड़ को पार करने में। वहां पर जो वाहन है उनको अपनी गति जो है उसको कम करना पड़ता है, उस गाड़ियों की गति को। जैसे ही सेना के जो कॉन्वॉय वहां से निकल रहा था, गति को कम किया गया, और आतंकी जो कि पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे, उन्होंने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। और इस हमले में सेना के 4 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए, और 3 अन्य घायल हुए। इस समय आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में जो है सेना की जो है हम देख सकते हैं कि तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी हैं, सेना के जवान भी भारी संख्या में यहां तैनात है, और इस क्षेत्र से आगे किसी सार्वजनिक जो गाड़ी है उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए, जिन आतंकवादियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया।